अस्सलाम वालेकुम तमाम फोर्टी टेक और फोर्टी टेलर्स के बारे में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं लेकर आ गया स्वेटर की एक और क्लास, क्लास नंबर 17, क्लास नंबर 16, जिसने नहीं देखी लाजमी देखे। परस्पेक्टिव ग्रिड टूल, परस्पेक्टिव ड्राइंग्स क्या होती है, परस्पेक्टिव क्या होता है, मैंने सारा आपको उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए यार। और आज की वीडियो भी बाकी क्लासेस की तरह वैसे ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज हम पढ़ेंगे यार ब्रश टूल। ब्रश टूल जाहिर बात है एक पेंटर्स की, तो जैसे कहते हैं कि पेंटर्स की जान होती है ब्रश टूल, ऐसे ही इलस्ट्रेटर के अंदर हम ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर भी यार हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं यार, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो खैर बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा करके आप लोगों को। तो और मैं अक्सर वही अपनी वीडियोस के अंदर जैसे मैं कह रहा होता हूँ कि यार इंस्पिरेशंस लिया करें, ठीक है। आपने मेरी वीडियोस देखनी, उसके बाद आपको काम कैसे करना है, यूटिलाइज करना है उसको, तो थोड़ा बहुत खुद भी दिमाग लगा के और गूगल से यार इंस्पिरेशन निकाला करें, ठीक है। आज इंशाल्लाह मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊँ उसको गूगल पर सर्च कीजिएगा और इंस्पिरेशन लेके अपना खुद से क्रिएट कीजिएगा और क्रिएटिव माइंड बना करें थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं यार, और यहाँ पर देख लेते हैं मेरे ब्रश ये आ रहे हैं आपके, ठीक है। ये आपका ब्रश पैनल आ रहा है, पेन ब्रश आ रहा है और ब्लो ब्रश टूल आ रहा है, आपके दोनों टूल यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। दोनों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, और सबसे जो काम का ब्रश है हमारा पेन ब्रश टूल है, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे आप इससे कैलीग्राफी कर सकते हैं, स्केटर डिजाइन आप कैसे बना सकते हैं, पैटर्न इससे कैसे बना सकते हैं, सब कुछ हम इससे पेन ब्रश देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यार, दो ये पैनल आप अपने ऑन कर लीजिएगा, एक तो पहला पैनल आपका ब्रश का आ रहा है और दूसरा आ रहा है स्वाचिस का, ठीक है। नो इशू, ओपन नहीं है यार, विंडोज में जाए आसानी से उसकी ओपन कर ले। F5 जो है आपकी ब्रश की शॉर्टकट की है, ठीक है, इस वाले पैनल की शॉर्टकट की है, आप चाह रहे हैं दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, विंडोज में जाए और ये आपका F5, ठीक है, यहाँ पर ही आ रहा है और इसी के नीचे आ रहा है आपका स्वाचिस, ये आ रहा है आपका स्वाचिस, ठीक है। इन दोनों को ऑन कर दीजिएगा क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करते हैं आपके ब्रश टूल के अंदर। अब पहली चीज यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ हमारा ब्रश टूल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही आपका एक तो आ रहा है आपका राउंड ब्रश, ठीक है, नॉर्मल राउंड, फिर ये एक और आपका राउंड आ रहा है, ये हमारा 5 पिक्सल है, ये 15 पिक्सल हो गया, ठीक है। ये ओवल आ रहा है, 3 पिक्सल ओवल एंड 5 पिक्सल ओवल, 5 पिक्सल फ्लैट एंड देन टच कैलीग्राफी ब्रश डन एंड इट इज ऑल्सो 40, ठीक है। अब ओवल क्या है, ओवल एक तो चीज यार नॉर्मल, वैसे तो आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी एक दफा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ओवल शेप हमारा क्या है। ओवल शेप जस्ट लाइक मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, इसी को हम राउंड कह सकते हैं, इसी को सर्कल कह सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। अब ओवल क्या है, ओवल हमारा कुछ इस तरीके का शेप होता है, ठीक है, जस्ट लाइक है जैसे हमारा एग होता है, तो एग राउंड नहीं होता, उसको हम ओवल शेप कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारा चाहे उसको लैंडस्केप ओवल कह लें या पोर्ट्रेट ओवल कह लें, हॉरिजॉन्टल में कह लें या वर्टिकल ओवल, ठीक है, ये हमारा ओवल शेप है, ये भी ओवल है और ये भी ओवल है, ये हमारा राउंड है या इसको सर्कल कह रहे हैं हम, ठीक है। अब ब्रश टूल यार एक चीज याद रखने की, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे पेंटर्स जो होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है ब्रश, उनका जो टूल होता है, तो इसी हवाले से इलस्ट्रेटर के अंदर भी यार हमारा, जैसे इंशाल्लाह हम कोई पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा पेन टूल यार बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। और इसके लिए यू नीड अ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इसके लिए आपको मैं कहूँगा कि 5 पीस चाहिए आपको, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इन 5 पीस के अंदर आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, इसको समझने के लिए, इसको यूज करने के लिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अपनी जो है स्किल्स को निखारेंगे इंशाल्लाह। और अब पहली चीज तो यहाँ पर आ जाते हैं, एक इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो कुछ ऑप्शन आ जाते हैं मेरे पास, मैं इनको कह रहा हूँ रीसेट, ठीक है। मैंने स्मूथ के ऊपर इसको रखा हुआ है और 12 पिक्सल के ऊपर रखा हुआ है, एडिट सिलेक्शन बात करें इसके ऊपर कर, अब मैं बताता हूँ ये ऑप्शन है कि पहली चीज तो मैंने एक पाथ बना ली, डिजाइन बनाया, ठीक है। अब एक चीज को चेंजिंग देखिएगा कि अब मैं जब इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाता हूँ, होता क्या है कि ये इसको स्मूथ कर देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसने इसको स्मूथ कर दिया, अब यहाँ पर ये देखें, ये देखिए इसने यहाँ से इसको स्मूथ किया, स्मूथ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ना अभी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अब आप देखिएगा मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और मैंने कहा कि इसकी फिडेलिटी क्या है, मीन्स की जो इसकी स्मूथनेस है उसको ये कह रहा है, और ठीक है मैंने कहा इसको एक्यूरेट रखो, एक्यूरेट मीन्स की जो मैं बनाऊँ उसी को रखिएगा, उसको चेंज नहीं कीजिएगा, उसको स्मूथ नहीं कीजिएगा। मैंने ये देखे अब इस तरीके का बनाया, कोई इसने चेंजिंग नहीं की, ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल एक्यूरेट पर रख दिया। अब ये देखें, ठीक है, कोई चेंजिंग इसने नहीं की, अब देखें कोई चेंजिंग इसने नहीं की। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसको जा रहा हूँ मैं बिल्कुल स्मूथ के ऊपर,
अब देखें, मैं इसको ये देखिए, इसने स्मूथ कर दिया इसको। मैंने हालांकि इस तरीके का और इसको ट्रिकी शेप दिया था, लेकिन इसने क्या करा, इसको स्मूथ कर दिया। ये देखें, ये इसके अंदर फिडेलिटी का काम है, आपकी चीज को स्मूथ करके दे देगा। ठीक है, यहाँ तो ये चीज आ गई आपकी। अब आपके आ रहा है फिल न्यू ब्रश स्टॉक। ये क्या है आपका, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करा देता हूँ तो ये देखें इसके अंदर होगा क्या, मैं कुछ भी स्टॉक्स के अंदर बनाऊं, चाहे उसकी बात क्लोज करूं या नहीं करूं, ये उसके अंदर एक फिल हमें दे देगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक फिल रखा है और इसका कलर मैं कह रहा हूं पिंक। ठीक है, देन मैं दोबारा ब्रश रोल हो रहा हूं। अब ये देखिए फिल मैंने इसकी बात क्लोज नहीं करी यहाँ पर, लेकिन इसने हमें फिर भी उसके अंदर फिल बना के एक दे दिया। अब मैं देखिए यहाँ पर इसके अंदर बना रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर हम मैंने बात इसकी क्लोज, ठीक है, यहाँ पर भी इसने एक हमें फिल दे दिया इसका। ठीक है, ये इसका काम है जी, एक ही ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आने के बाद एक आ रहा है आपका कीप सेलेक्टेड। कीप सेलेक्टेड क्या है, कीप सेलेक्टेड आपका ये देखें, कीप सेलेक्टेड आपका क्या करेगा, जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता था, याद हमने जो क्लास फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, आई थिंक सेकंड क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो उसकी सिलेक्शन ही हमें बना के दे देगा। होगा क्या, ब्रश टूल लूंगा मैं, दोबारा इसको डिजाइन करूंगा, तो अब ये देखिए उसकी पाथ को जैसे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की वजह से सिलेक्ट करते हैं, उसके तरह आपसे ये सेलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए कि अब मुझे बार बार इसके अंदर ये है कि भाई मैं दोबारा वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में उससे मदद करूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास कि आप कीप सेलेक्टेड के ऊपर चेक लगा देंगे और यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, दोबारा मैं ब्रश टूल लो रहा हूँ। तो ये देखें, अब यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं है कि दोबारा मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ। हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या डिजाइनिंग कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपको जरूरत पड़ती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देने की विद पेन ब्रश टूल, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना नॉर्मल रखें इसको, यार कोई ना बढ़िया नहीं। ठीक है, अब कीप सेलेक्टेड पाथ ये क्या है, अरे कीप एडिट सॉरी एडिट सेलेक्टेड पाथ ये क्या है। अब ये देखिए मैं इसके ऊपर इसको कम कह रहा हूँ, थोड़ा सा 7 पिक्सल या 5 पिक्सल तक रख रहा हूँ। ठीक है, डन, इसको क्लोज कह रहा हूँ, कैंसिल डिलीट कर दिया मैंने। और यहाँ पर आके अब मैंने ये देखिए इसके अंदर डिजाइन बनाया, या चल इसको उसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को कीप सेलेक्टेड की को भी रख लेता हूँ। ठीक, एंड देन यहाँ पर देखें अब होगा क्या, जहां पर मेरी सिलेक्शन बनी हुई आ रही होगी वहां से मैं अगर इसको दोबारा डिजाइन करूंगा तो ये क्या करेगा, लास्ट वाली जो मेरी आगे वाली पाथ होगी उसको खत्म कर देगा और जहां से मैंने डिजाइन किया है उसको वहां से डिजाइन करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर मैंने देखें, यहाँ पर मेरी एक सिलेक्शन आ रही है, देखें सॉरी इसके ऊपर सिलेक्शन के ऊपर आपको बनाना है इसको। ठीक है, इसका आइकन देख लीजिएगा, आइकन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए एक स्टार आपको बना हुआ आ रहा है आपका, और जब मैं इसके ऊपर सिलेक्शन पे लेके जा रहा हूँ तो वो स्टार खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें आप, ये डिजाइन यहाँ पर चेंज हो गया, दोबारा आ जाए और इस पे आए, ये देखिए स्टार खत्म हो गया, मेरी पाथ यहाँ से चेंज हो गई। ठीक है, तो अदरवाइज यार एज सच तो खैर जो इसके अंदर मजेदार चीज है वो कैलीग्राफिक बुक है, कैलीग्राफिक ब्रश है जो उर्दू खत्ताती जैसे दिखते शादी कार्ड्स होते हैं, जैसे हमारे हिंदी के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी और अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी, तो उसके अंदर यार कैलीग्राफी ब्रश आपका बड़ा मजेदार वर्क करके दे रहा होता है। जिस तरीके से जैसे आपने देखी होगी सीनरी वर्डिंग्स कुछ स्टाइलाइज लिखी होती है, तो यार देख के दिल अच्छा करता है कि यार अच्छी लग रही होती है। खैर, तो उसको अंदर ये आपका जो कैलीग्राफी ब्रश है उसको हम यूज करेंगे। खैर, इनको तो हम इतना ज्यादा इनके ऑप्शन तो ऐसा तो यूज नहीं होता, फिर या अगर आप रखने चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। हाँ, स्मूथ वाले को बिल्कुल इसको रख लीजिएगा, आपको लगता है कि आप इसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं तो स्मूथ को आप रखिएगा। ठीक है, और कुछ ब्रश तो हमारे यहाँ पर ही आ रहे हैं, एक ये बेसिक ब्रश है, यहाँ पर आके इसके ऊपर बस ये जस्ट आपको एक स्ट्रोक बना के देगा। ठीक है, लाइन बना के हमें देगा, स्मूथ मैंने ऑन किया हुआ है तो इसलिए स्मूथ कर रहा है। चारकोल हमारा ब्रश आ रहा है आपका, ये क्या है चारकोल, चारकोल मीन्स यहाँ कोयला होता है, तो उसका शेड ही आपको यहाँ पर ये दे देगा। जिस तरीके से अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इसका स्ट्रोक, ये जैसे अगर कोई हम चीज एक कोयले से लेते हैं और उससे ड्रॉ करते हैं तो उसके जैसे इफेक्ट आएगा, तो उसका वही इफेक्ट आपको ये यहाँ पर क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, और एक आप फिर ब्रश आ गया डिवाइडर का। ठीक है, देन यही तो ऐसा, खैर ये इतना ज्यादा इनका इस्तेमाल तो फिलहाल नहीं है, अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो तो इसका लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, डन। और मजेदार जो चीज है वो इसके अंदर स्केटर ब्रश आपका, पैटर्न ब्रश एंड कैलीग्राफिक ब्रश, वो आप इसके अंदर यूज कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको फील आएगा, लुक आएगा। ठीक है, और इस्तेमाल जब करेंगे तो आपको मजा भी आएगा उसके अंदर। अब पहली चीज तो यहाँ कुछ लाइब्रेरी दी हुई है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आए एरो के ऊपर, ये आपके सारे जो एरो वाले ब्रश है वो आपके आ जाएंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करें जो भी आपको ब्रश रखना है।
अब ये भी एक एरो बना के दे देगा, वही ऐसा जो हमने स्ट्रोक के अंदर देखा था, स्ट्रोक की हमारी जो क्लास थी वो हमने जो यहाँ पर देखा था कि किस तरीके से आप एरो वगैरह इसके अंदर यहाँ पर लगा सकते हैं, वही सेम चीज यहीं पर ही इसके अंदर रहता है, एक स्ट्रोक के ऊपर आप लगा सकते हैं, वही सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसके अंदर और आप जाए तो लाजमी इसके अंदर देख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, इफेक्ट लगे, जो भी आप लगे, ऐसा जो पेंटिंग्स वगैरह करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा यूज का है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं यार, ब्रश टूल अगर आप पेंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो यार इसके लिए आपके पास अगर माउस से आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, यार नहीं कर सकते तो इसके लिए यार आप टेबलेट होना आपके पास बहुत जरूरी है यार, जो भी आपके पास अच्छी कंपनी का टेबलेट हो आप लेके उससे आसानी से कर सकते हैं। आप कोई ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, कोई आप कार्टून स्केच बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर आसानी से यार इसको टैप के थ्रू आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर सेंसिटिविटी होती है, सारी चीजें होती है, तो आप आसानी से कर सकते हैं माउस के थ्रू। हाँ खैर प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आप अच्छी बना रहे, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप नॉर्मली मेरी तरह एमेच्योर की तरह आप कर देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर ये जैसे एक कुछ ब्रश दिया हुआ है, इससे मैं डिजाइन करूंगा तो ये पैटर्न टाइप ही आपका बॉर्डर वगैरह बना के दे देगा, ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एक चीज देखते हैं, हमारा आ रहा है प्लस का साइन, इसका मतलब आ गया हमारा न्यू ब्रश। अब वही कैलीग्राफिक ब्रश आ गया हमारा, स्केटर ब्रश आ गया, आर्ट ब्रश आ गया, ठीक है, ब्रस्टल ब्रश आ गया, पैटर्न ब्रश आ गया हमारा, डन। और पैटर्न, अच्छा पैटर्न हम देख रहे ना, एक चीज पहली चीज तो ये है कि कोई भी आप स्ट्रोक वगैरह, आप लेट सपोज के मैं एक सर्कल ले रहा हूं, डन, और एक इसके अंदर स्टार बना रहा हूं 4 पे, ठीक है, 25, ठीक है, डन, इसके मैं स्किप कर दिया और इसको मैं छोटा करके अंदर लेकर आ रहा हूँ, अलाइन कर रहा हूँ इसको, अलाइन पाथ का है मेरा, परफेक्ट। और यहां पर आके एक सर्कल बना रहा हूं मैं, इसको फिल कर दिया मैंने, आई थिंक सेंटर ही अलाइन ही है, परफेक्ट, ठीक है, डन, इसको ग्रुप किया मैंने। और ग्रुप करने के बाद ब्रश के अंदर आ जाएंगे हम, हमारे ब्रश कहाँ गए, बड़े मजेदार वैसे इसके अंदर ब्रश एरो वगैरह दिए हुए होते हैं तो मैं इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर लेकर आके मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और पहली चीज अभी हमसे पूछता है कि आप इसको स्केटर ब्रश बनाना चाह रहे हैं, आर्ट ब्रश बनाना चाह रहे हैं या पैटर्न ब्रश बनाना चाह रहे हैं, मैंने कहा जी इसको पैटर्न ब्रश कर दें फिलहाल, ठीक है, इस पे आ रहे हैं। तो ये हमसे कुछ ऑप्शन पूछ रहा होता है कि यार आप इसका नाम पूछ रहा है पहले आपसे, क्या आप नाम रखना चाह रहे हैं, और स्केल, अरे यहाँ पर आके आपसे स्केल की वेद वगैरह पूछ रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए वही प्रेशर सेंसिटिविटी आ गई, आपकी स्टाइलिश व्हील आ गया, टिल्ट आ गया, बियरिंग आ गया, रोटेशन आ गई, और इतना ऐसा तो ये डिसेबल होते हैं, कोई इतना ज्यादा इनका इस्तेमाल तो वैसे होता नहीं है, लेकिन जो टैब्स जिनके पास होता है वो आप आसानी से कर सकते हैं, और वैसे ही हम फिक्स के अंदर इसको रख सकते हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर आ गया जो पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है इसका कॉर्नर का, कॉर्नर। अब यहाँ पर देखेंगे एक चीज, एक कॉर्नर मेरा इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, और अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप कॉर्नर के अंदर आप इसको किस तरीके से मर्ज करना चाह रहे हैं, कि भाई पहले तो आप इसको ऑटो ही रखना चाह रहे हैं, मैंने कहा जी ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इसको सेकंड ऑप्शन करूंगा तो ये क्या करेगा, देखिए हाफ उसको ले देगा, हाफ उसको ले देगा, तो ये जस्ट इस तरीके से लगेगा कि कोई आपके जो जैसे बुक ओपन हो रही होती है, दो पेपर्स ओपन हो रही होते हैं, तो इस तरीके से इसको ओपन करके वो वाला इफेक्ट आपको दे देगा, ठीक है, वो इफेक्ट आपको दे देगा और ओवरलैप आपको कर देगा या तो, ठीक है। अगर ओवरलैप आपको इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये अभी सेम ही शेप चल रही है, ओवरलैप यानी कि बहुत सी ऐसी शेप होती है, जैसे आपका फ्लोरल डिजाइन होता है, गूगल पे लिखिएगा फ्लोरल डिजाइन, वहां से आपको अमेजिंग किस्म के फ्लोरल आ जाएंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड करें और उनके ऊपर प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने इसको चले ऑटो कर दिया फिलहाल, और यहाँ से मैं पूछ रहा है कि आप उसको सेंटर के अंदर किस तरीके से रखना चाह रहे हैं, तो ये इसको ऑटो ही रखें फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पर इसके इनसाइड वाला कॉर्नर होता है, इसको भी नन ही रखें। यहाँ पर जो थोड़ा सा एक इश्यू आ जाता है वो क्या आता है यहाँ पर कि भाई आप इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा एंडिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा कहाँ कहाँ आ रहा होता है, और ये मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरी चीज यही आपका फिलिप और फिलिप एरो, यही आ गया आपका सेम एज इट इज, इनका समझ गए आपको, इनको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देगा या वर्टिकली फ्लिप कर देगा इसको सेम,
और यही वही है, अगर आप स्पेस रखना चाह रहे हैं तो स्पेस रख देगा आपकी उसके अंदर डिजाइन के अंदर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एवरेज रख देगा, ठीक है, लेकिन इसको स्ट्रेची रखिएगा। यहाँ पर एक जो कलराइजेशन मेथड है ये हमारा समझने का है। सबसे पहले तो आ रहे हैं आप इसके ऊपर, टिप्स के ऊपर क्लिक करें। ये हमें बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है कि भाई आप लोग अगर कोई भी नन रखते हैं इसको, तो जो भी आप स्ट्रोक का कलर रखेंगे वो आपको ये चेंज नहीं करके देगा, ठीक है। मगर आप ग्रीन रख रहे हैं तो वो भी सेम ही रहेगा, ब्लैक ही रहेगा स्ट्रोक का कलर। आप, मैं चाह रहा हूँ कि पैटर्न मिले, लेट सपोज मैंने नन करके इसको ओके किया और यहां से मैंने इसको डिलीट कर दिया, डन। और यहां से मैंने एक, या चले ब्रश लिया मैंने, ठीक है, और यहां से इसको बनाया। अब ये देखें, ठीक है, यहां पर ही मेरा बन गया। अब मैं इसकी विथ कम करूंगा तो ये और मजीद बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अमेजिंग किस्म का यार आपको डिजाइन वगैरह लुक वगैरह दे रहा होता है, ठीक है। यहां पर आए, इसको 0.5 करें दोबारा। यार ये माजरत के साथ काफी ज्यादा शोर हो रहा होगा, ये जो घर है हमारा रोड के ऊपर है और बराबर में हाल है, तो आए दिन वहां कोई ना कोई बारात आ ही रही होती, तो मैं अक्सर ये क्या करता था कि रात को 2 बजे 3 बजे वीडियो बनाता था। लेकिन खैर अभी टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने अभी ये 10 बजे का टाइम है, कोई बारात वगैरह आई है शायद, तो उसके लिए शोर मचाया जा रहा है यार। वही खैर आमिर खान वाली बात याद आ जाती है पीके फिल्म की, कि आप लोग क्यों बताते हो शोर करके के आई है वहाँ देश इन। खैर तो चले नहीं आ रहे। अब यहाँ पर आ गया, ये देखिए पैटर्न आपका आ गया। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करें, डन हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने एक चीज मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर मैं स्ट्रोक का कलर इसका रख रहा हूँ रेड, तो ये मुझे कोई चेंजिंग नहीं दे रहा। इवन के मैंने क्या इसके ऊपर सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कोई कलर चेंज कर रहा हूँ, तो ये कलर चेंज नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपको इनके ऐसी जरूरत पड़ जाती है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि यार आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, और जो आप रखेंगे इसके अंदर वो आप रखिएगा टिंट्स इसके ऊपर। टिंट्स हम यहाँ पर आगे एक दफा टिप्स भी देख लेते हैं। टिंट्स आपका ये है कि जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे स्ट्रोक के अंदर, ये मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ स्ट्रोक की, ठीक है, और स्ट्रोक के अंदर अभी हमें बता रहा है कि जो आपको सेम कलर आप कभी भी कलर चेंज करेंगे वो आपको सेम कलर ही देगा। टिंट्स एंड शेड गया, टिंट्स एंड शेड भी आपको मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको टिंट बता दूँ, टिंट मैंने रखा ओके, और इसको यहाँ से मैंने ओके कर दिया और अप्लाई टू स्ट्रोक कर दिया। ये देखें डन, यार जबरदस्त किस्म का आपका कलर चेंज हो गया, यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से आके इसको चाहे तो आप ये देखें जो कलर में रखूंगा वो इसके अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगा, परफेक्ट। एंड यहाँ पर आके ये देखें अमेजिंग किस्म का, यार मैं चाहे कोई भी इसके अंदर रखूँ तो ये बड़ा खूबसूरत सा हमें, खैर ग्रेडियंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये हमें यहाँ से दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाए और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, अमेजिंग किस्म का यार। और अब एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ टिंट्स एंड शेड के लिए, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने एक सर्कल लिया था कि आप लोगों को समझा सकूं, एंड इसको मैंने ड्रा किया इसको पूरी पाथ को इधर, और इसको मैं कह रहा हूँ फिल ब्लैक, परफेक्ट। एंड इसको मैं कह रहा हूँ सेंड टू बैक। अब ये देखें होगा क्या, एक चीज आप देखिएगा, अब मैंने यहाँ पर आके इसको दोबारा क्लिक किया और इसको कर दिया मैंने टिंट्स एंड शेड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मैंने, परफेक्ट। वो अब इसको करेगा क्या, ये हमें जस्ट एक शेड्स दिखाएगा कलर, जैसे हमने स्ट्रोक रखा था इसके ऊपर। अब ये देखें यहाँ पर आके मैं इसका कलर रख रहा हूँ पर्पल, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या कर रहा होता है, सिर्फ उसका शेड दिखा रहा होता है हमें। ये देखें टिंट्स एंड शेड मैंने रखा, परफेक्ट, एंड इसको ओके कर दिया मैंने। अब ये देखें इसको डिलीट कर रहा हूँ, अब यहाँ पर देखें एक हल्का सा उसका आपको शेड नजर आएगा, जो फील होगा जस्ट आपको कि यार एक शेड आपने दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो ये आपका हो गया आपका पैटर्न ब्रश, ठीक है जी, जबरदस्त पैटर्न ब्रश हो गया आपका। यार सैम सेटिंग से कुछ भी इतना ज्यादा नहीं है। अब कैलीग्राफी ब्रश और आपका आर्ट ब्रश, तो कैलीग्राफी और ब्रश थोड़ा सा यार इसका लॉन्ग प्रोसीजर है। मैं अभी आ रहा हूँ आपके आर्ट ब्रश के ऊपर, इसको ये अभी डिसेबल है, इसको एनेबल करते हैं जी। कैसे करेंगे अभी बता देता हूँ मैं आपको। अब एक चीज यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आके मैं स्टार ले रहा हूँ और मैंने क्लिक किया, ठीक है, फॉर पॉइंट्स इसके रख लिए, रेडियस इसका 90, ओके 1, परफेक्ट। देन इसको मैं कह रहा हूँ फिल्म में कन्वर्ट, ठीक है, फिल्म मैंने रखा और यहाँ पर इसका कलर मैं कह रहा हूँ वाइट, परफेक्ट। स्ट्रोक नहीं है ये, जस्ट फिल, अब मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा और यहाँ पर देखिए ये मेरे दोनों ब्रोशेस एक्टिवेट हो गए, आर्ट भी और स्केटर भी, ठीक है। अब स्केटर के ऊपर आ जाए, मैं स्केटर के ऊपर आ रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ से मेरे से कुछ पूछ रहा होता है इसकी सेटिंग वगैरह, एक तो पूछ रहा था फिक्स एंड रैंडम, फिक्स एंड रैंडम, फिक्स एंड रैंडम, फिक्स यार जस्ट आपको पता है
आप जो वैल्यू रखेंगे उसके अंदर से नॉर्मल ही वही वैल्यू उसके अंदर आपको उठा के दे देगा। अब यहाँ पर ये मेरे से दो वैल्यू पूछ रहा है, मैं अगर इसको फिक्स कर देता हूँ तो ये देखें मेरी एक डिसेबल कर देगा एक इनेबल कर देगा। अब मुझसे ये कहेगा कि आप इसके अंदर फिक्स के अंदर एक ही वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर साइज क्या है, साइज यार दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखा दूं, साइज इसको बड़ा छोटा कर देगा, ठीक है। यहां पर आए, इसको दोबारा मैं लेकर आ रहा हूं, फिक्स के ऊपर आए, और अब मैं यहां पर अगर इसकी 100% रखता हूं तो ये इसको 100% जो मेरा साइज बना हुआ है वही साइज का मुझे स्केटर बना के देगा, वही ब्रश को। अब पहली चीज देख रहे थे साइज, ठीक है, ये आ गया स्पेसिंग। अच्छा स्पेसिंग नर्थ ही पूछ रहा है कि एक आप कितनी रखना चाह रहे हैं स्पेसिंग, माना कि मेरा एक स्टार यहाँ बना हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये मेरे स्पेसिंग आ गई। स्केटर हमारा कहलाता है कि जैसे फैला हुआ, अब उसके अंदर हमें क्या देगा, तो एक स्टार मेरा यहाँ पर आ रहा है उसी स्पेसिंग के अंदर एक स्टार यहाँ पर आ रहा होगा, उसी स्पेसिंग के अंदर हमारा यहाँ पर आ रहा होगा, और रोटेशन रोटेशन भी सेम, इसको एक मेरा स्टार जो है रोटेट कर देगा, एक को उसके ऊपर, एक को बॉटम साइड कर देगा, एक को टॉप साइड, तो इस तरीके से हमारे रोटेशन हो गई। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप इसको रैंडम में इसको इस्तेमाल करें। अब मैं पहली चीज मैं इसको रैंडम में रख रहा हूँ, ठीक है, रैंडम में आ गया। अब मैंने कहा कि इसको रैंडम, रैंडम क्या यानी कि यार रैंडम बेतरतीब, मीन्स के एक वैल्यू से लेके दूसरी वैल्यू के अंदर कोई भी बेतरतीब सी वो वैल्यू आपको ले लेगा। अगर मैं इसको कहता हूँ कि यार आप यहाँ से 10 पिक्सल इसकी मिनिमम और मैक्सिमम है उसकी 80%, ठीक है, ये आपकी हो गई। अब ये आपकी दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है आपकी मिनिमम, एक आ रही है आपकी मैक्सिमम के। आप मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप गाड़ी चलाएं 20 पर आवर टू 200 पर आवर, और उसमें कोई सी भी रैंडम स्पीड ले लें, तो आप जब गाड़ी को चलाएंगे तो 20 पर आवर से लेके आप 200 के अंदर ही लिमिटेड रहेंगे, तो इसलिए आपको रैंडम स्पीड दी गई है यहाँ पर, आपके सॉरी यहाँ पर रैंडम आपको साइज दिया गया है। आप यहाँ पर साइज के अंदर मिनिमम आपका जो होगा वो 10 पिक्सल और 10% और मैक्सिमम आपका 80% ही आपका होगा, ये आपका रैंडम हो गया, ठीक है। साइज आपका रैंडम में से कोई भी आपको बना के दे देगा, चाहे वो 40 पिक्सल हुआ, 20% हुआ उसका, 80% हुआ, 90% हुआ, जो भी हुआ आपका, वो इस 80% के आपको अंदर ही बना के दे देगा। काफी ज्यादा शोर आ रहा है दोस्तों, मैं तो कहता हूँ मैं खुद इस चीज़ की वजह से परेशान हो गया हूँ, काफी ज्यादा ये शोर आ रहा है आपको, और खैर यार ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है हमारी, ये हमने ही शुरू किए हैं तो भुगतना ही हमें पड़ता है, आज हम नहीं करें तो कल को कोई दूसरा भी नहीं करेगा। चले स्पेसिंग आ जाते हैं, स्पेसिंग मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप रखते हैं 20% टू एंड 50%, ठीक है। और स्केटर, स्केटर आपका कहलाता है फैलावा, फैला हुआ चीज़, जैसे आप कोई घर में आए तो शूज आपने कहीं डाल दिए, शर्ट अपने कहीं रख दी, टाई अपने कहीं रख दी, बेल्ट अपने कहीं पर रख दिया, शॉक्स अपने कहीं रख दिए, तो ये आपका स्केटिंग फैलावा, मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारी चीजें एक अलग अलग तरतीब से बेतरतीब से बढ़ी, आपका स्केटर फैलावा कहलाता है। और रोटेशन, रोटेशन के अंदर अब ये देखें मैं इसके अंदर रोटेशन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 84 पिक्सल एंड मिनिमम, ओके डन, ये मेरा बन गया। और यहाँ पर आके मैंने ब्रश टूल लिया, ये देखें, अब एक चीज ये देखें साइज मैक्सिमम से मेरा साइज ले लिया, मिनिमम साइज मेरा यहाँ पर है, ठीक है। एक स्टार मेरा जो है यहाँ पर, इसकी शेप देखें, ये इसकी शेप देखें, दोनों की दो इसके ऊपर है, दो नीचे, और इसकी देखें, इसकी एक ऊपर है एक नीचे, इसकी दो ऊपर दो नीचे, तो इस तरीके से ये हमारा कहलाता है, ये हमारा जो बीच के अंदर आ रहा है ये हमारी स्पेसिंग है, ठीक है। और स्केटर हमारा कहलाता है, अभी एक सेकंड में आपको स्केटर दोबारा इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब ये देखें यहाँ से मैंने प्रीव्यू ऑन किया, अब ये देखें मैंने मिनिमम रखा है इसको और मैक्सिमम यहां से भी इतना रख लिया। अब ये देखें अप्लाई टू स्ट्रोक किया मैंने, ये देखें अब ये मेरी एक चीज, एक स्टार मेरा एक यहाँ चला गया एक ही चला गया, ये हमारा कहलाता है स्कैटरिंग यानी कि फैलावा। और आप समझ गए होंगे यार इसका कैसे यूज कर सकते हैं, एंड इसको लेकर आए और यहाँ पर आके अपना स्टार बनाया हमने, ठीक है, ओके किया इसको, फिल करें इसका वाइट, स्ट्रोक कर दें इसका नील, परफेक्ट। यहाँ पर लेकर आए इसको स्केटर ब्रश और वही सेम चीज़ है, यहाँ पर मैं इसको टिंट रख रहा हूँ ताकि अगर हमें कलर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो कोई इशू नहीं हो। और यहाँ पर आके ठीक है मैंने कहा कि इसको 20 पिक्सल टू 20% टू 100% एंड
रैंडम में इसके स्पेसिंग मिनिमम से लेके यहाँ पर उसके रैंडम करें और मैक्सिमम इतनी चली जाए, ठीक है। यहाँ पर आके इसका स्कैटरिंग अलावा इसका होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक परफेक्ट, एंड रोटेशन आपकी इतनी होनी चाहिए मिनिमम इसको, ठीक है। डन, इतना इसको डन करें और यहाँ से इसको डिलीट करें। अब ये देखें परफेक्ट, ठीक है। आई होप कि मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा वो रख दिया है, स्पेसिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा रख दी हो, तो वो आप चाहें तो इसको कम कर लीजिएगा। एक दफ़ा इसको दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, देन प्रीव्यू ऑन करें, ठीक है। यहाँ पर आए दोबारा, डबल क्लिक करें इसके ऊपर एंड प्रीव्यू ऑन करके अब यहाँ पर जो आप साइज वगैरह रखना चाहेंगे, यहाँ पर आके आपने इसका मिनिमम कर दिया, यहाँ पर इसको 100% कर दिया, ठीक है। जैसा आप रखना चाहें इसके ऊपर, यहाँ से आप इसको प्रीव्यू ऑन करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा जो इसको 10% to 83% एंड रेंडमाइजेशन, ठीक है। स्पेसिंग आप यहाँ से आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं और स्कैटरिंग, ठीक है। जितना अच्छा स्केटर माना ये आपकी पाथ से स्केटर करेगा इसको, ठीक है। आपकी पाथ से ये दूर जाएगा जितना आप इसको रखेंगे, ठीक है। एंड रोटेशन, अब ये देखें रोटेशन, ये देखें यहाँ पर मेरा स्टार रोटेट हो रहा है, आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर एक दफा बनाने के बाद, प्रीव्यू ऑन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि कितना उसके अंदर आपकी रोटेशन वगैरह आ रही है, ठीक है जी। यहाँ पर आके स्केटिंग में देन इसको ओके करें, अप्लाई टू स्ट्रोक करें, परफेक्ट। एंड इसको डिलीट करें, दोबारा ब्रश टूल लें, दोबारा यहाँ पर इसका साइज कम कर लें, सॉरी इसको सेलेक्ट करें। अब मैं देखें साइज का, ब्रश का साइज बढ़ाऊंगा तो ये मेरे स्टार भी जो है काफी ज्यादा बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आके मैं एक छोटा सा स्टार बना रहा हूं, फिल कर रहा हूं मैं इसको बिल्कुल काफी छोटा सा, इसके ऊपर रख के देखते हैं क्योंकि स्टार हमारा इतना बड़ा नहीं होगा, इसको और छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा और, देन परफेक्ट। इसके ऊपर लाएं इसको, स्केटर वही नॉर्मल, ठीक है, फिक्स कर दें, इसको भी रैंडम कर दें, रैंडम कर दें, रैंडम एंड रैंडम। मैंने कहा इसको जी 10% से लेके 100% के दरमियान हो, या फिलहाल कुछ भी ऐसा रख लें, क्योंकि जब आप ये बना रहे होते हैं उस वक्त आपको यहाँ पर ये प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं देता, तो एक दफा आप जब इसको बना लेते हैं उसके बाद ये आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दे देता है। अब यहाँ पर आए ब्रश टूल में, डन परफेक्ट। ये देखिए यार अमेजिंग, यार कितना जबरदस्त आपको लग रहा है। अब इसके अंदर आप सेंडिंग करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ से प्रीव्यू ऑन हो गया आपका, जो साइज वगैरह आप यहाँ से रखना चाह रहे हैं, स्केटरिंग वगैरह फैलावा वगैरह जो भी आप इसके ऊपर रोटेशन वगैरह आप इसके रखना चाह रहे हैं वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। आप राइट स्ट्रोक करें, देन परफेक्ट। एंड वही सेम ब्रश टूल ने इसको इसके ऊपर लगाना शुरू करें, परफेक्ट यार अमेजिंग, कितना जबरदस्त किस्म का आपका ये बन गया। कोई आप बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं, नाइट सीन वगैरह बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बनाना सिखाया था कि कैसे आप एक खूबसूरत सा अमेजिंग सा यार नाइट पेंटिंग आप बना सकते हैं, नाइट पोर्ट्रेट वगैरह बना सकते हैं। अब ठीक है यहाँ पर आके, अच्छा एक दोस्तों दोबारा आ जाते हैं, अब इसका कलर चेंज करना है हमने, जैसे मैंने ग्रीन कलर कर दिया, अब इसको कैसे किया है हमने, जो हमने हियो शेप देखा था ये वाला ऑप्शन लास्ट वाला, इसके अंदर हमें देखे, मैं बता रहा है कि आप जो भी आप स्ट्रोक के अंदर रखेंगे, अब स्केटर ब्रश के अंदर जो भी हमने रखा है, जो हमने टिंट्स यूज किया था वो हमने हमारा किया था पैटर्न ब्रश के अंदर, ठीक है। और अगर कोई हम स्केटर ब्रश के अंदर यूज कर रहे हैं और कुछ भी हमें कलर चेंज करना है तो उसके अंदर हम मेथड रखेंगे ह्यू शिफ्ट का। यहाँ पर मैंने आया हूँ, मैंने हुई, अगर मैं इसके ऊपर टिंट्स रख देता हूँ, मैं ओके करता हूँ, तो अब ये देखें अप्लाई टू स्ट्रोक कह रहा हूँ मैं, तो ये कोई कलर चेंज नहीं करके दे रहा, मैं चाहे कुछ भी इसके ऊपर कर दूं ये मेरा स्टार्स का कलर चेंज नहीं करके दे रहा है। क्यों नहीं करके दे रहा है, तो इसने हमें कहा हुआ है कि आप यहाँ पर अगर स्केटर ब्रश यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जो यूज करेंगे वो करेंगे आप ह्यू शिफ्ट को, ठीक है। यहाँ पर आए उसको ओके करें, अप्लाई टू स्ट्रोक करें, परफेक्ट यार ये देखिए कलर चेंज हो गया आपका। अब जी जो भी आप कलर रखना चाहेंगे ये देखें परफेक्ट अमेजिंग किस्म का यार। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए और थोड़ा सा वास्ट टाइम मुझे चाहिए यार, देख लिया करें वीडियो, एक दफ़ा नहीं समझ में आ रही दो दफ़ा देख लिया करें यार, ठीक है परफेक्ट हो गया। इसको सेलेक्ट करें दोबारा एंड जो आपको रखना है, अब इसके ऊपर ये देखें कलर आसानी से आपका चेंज हो रहा है, जो आप रखना चाह रहे हैं इसके ऊपर परफेक्ट। ग्रेडियंट अभी वर्क नहीं करेगा, इसको एक्सपेंड करना होगा, अमेजिंग यार इतना ज़बरदस्त किस्म का आपका ये बन गया।
कुछ भी आप एब्स्ट्रैक्ट डिजाइनिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, फ्लोरल इसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो यार इसी मदद से बना सकते हैं यार, अमेजिंग यार। ठीक है, ये आपका हो गया स्केटर ब्रश। इसके ऊपर कलर आपको कैसे डालना है मैंने ये भी आपको बता दिया, पैटर्न मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद आ जाते हैं हमारा न्यू के ऊपर आए, जो हमारा आ जाता है कैरी ग्राफिक ब्रश। हमारा पैटर्न ब्रश हो गया, स्केटर ब्रश हो गया हमारा, अब कैरी ग्राफिक ब्रश के ऊपर आ रहे हैं हमारा।